पिछले 39 वर्षों से लगातार राजधानी भोपाल में 26 से 30 जनवरी तक लोकरंग महोत्सव का आयोजन हर साल किया जाता है, जिसमें देश भर से कलाकार अपनी आंचलिक और पारंपरिक संगीत नृत्य को प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लेते हैं। मध्य प्रदेश के साथ अन्य राज्यों के पारंपरिक लोक नृत्य को देखने और अपनी जड़ों से कनेक्ट करने के लिए लोग यहाँ बरबस ही चले आते हैं। और वहीं इन्हीं कला प्रेमियों से बातचीत की हमारे संवाददाता प्रिंस गुप्ता ने। हम लोक रंग में हैं, लोक रंग में चारों तरफ एक तरह से खुशी और उल्लास का माहौल है और खासतौर से ट्रेडिशनल जो कला है वो यहाँ बखूबी देखने को मिल रही है। पहनने ओढ़ने की बात करें, खाने पीने की बात करें और खासतौर से संगीत और नृत्य की बात करें तो सभी ट्रेडिशनल है। बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पर जो इस प्रोग्राम्स को यहाँ होने वाले देखने आए और म्यूजिकल प्रोग्राम जितने हो रहे हैं वो सभी को देखना पसंद कर रहे हैं। बड़ी तादाद में बड़ी धूप के बाद भी लोग यहाँ मौजूद है। कुछ लोगों से हम बात करते हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे लोक रंग में आप आए हैं, कैसा लग रहा है, क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल रही है? बहुत बढ़िया लग रहा है और भारत की जो मूल परंपरा है इस लोक रंग का कार्यक्रम के माध्यम से उससे जुड़ने का अवसर हम सभी युवाओं को मिल रहा है। ये कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है और जो पुरानी सभ्यता है भारत की आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उभर के सामने आ रही है तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। लोक रंग में आप आए हैं, कैसा लग रहा है, क्या क्या चीजें आपने देखी है? यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और मैं फुल्ली एंजॉय कर रही हूँ। हमारी जो संस्कृति है वो काफी अच्छे से प्रदर्शित की जा रही है। आपका केरला का देख लो या फिर मध्य प्रदेश का मालवी नृत्य हो गया और राम प्रतिष्ठा से संबंधित लोक गीत भी गाए गए हैं अभी यहाँ पर, तो काफी एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। निश्चित ही सभी लोग अपनी कला संस्कृति और तमाम समृद्ध भारतीय चीजों से जुड़े रहना चाहते हैं, भले वो कहीं रहे लेकिन जब भी मौका मिलता है वो चले आते हैं ऐसे आयोजनों में अपने आप को कनेक्ट करने अपनी जड़ों से। कैमरामैन सतीश गुप्ता के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, टीवी 24 भोपाल।